सो फाइनली होंडा एसपी 160 का ऑफिशियल टीजर वीडियो लॉन्च हो चुका है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों, मैंने पहले ही वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था कि होंडा अपनी एसपी 160 को लॉन्च कर रही है, जिसका ऑफिशियल टीजर वीडियो डालकर होंडा वालों ने कन्फर्म भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को इसी एसपी 160 के बारे में बताने वाला हूँ कि बाइक को कब तक लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, साथ ही साथ बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बाइक के लुक्स के बारे में बात करें, तो बाइक का जो लुक है दोस्तों, वो टीजर वीडियो में पूरी तरीके से नहीं दिखा है, लेकिन दोस्तों टीजर वीडियो में बाइक का इंडिकेटर और टेल लैंप दिख चुका है, जो कि दोस्तों पीछे का जो टेल लैंप है उसको देखने के बाद पता चल रहा है कि बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी होने वाला है। बाकी दोस्तों, बाइक के फीचर्स के बारे में बताऊं तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को एलईडी का टेल लैंप के साथ जो है एलईडी का हेडलैम्प भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बाइक पे जो आप लोग को हेलोजन के इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बाइक पे जो आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसपे दोस्तों आप लोग को कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, बाइक पे जो आप लोग को हजार्ड लाइट के साथ जो है यूएसबी चार्जिंग पॉइंट और सेफ्टी वाइज आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, बाइक के इंजन के बारे में बात करी जाए तो बाइक पे दोस्तों सेम जो आपको होंडा यूनिकॉर्न 160 पे इंजन मिलता है, आपको वही इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों BS6 फेज 2 वाला होगा। तो इसका मतलब बाइक पे जो आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन दिया जाएगा, यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग बाइक पे यूज कर पाएंगे। बाइक के पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो लगभग आप लोग को 12.73 BHP तक की पावर और 14 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि बाइक पे दोस्तों आप लोग को 5-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ जो है सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी जाएगी। बाकी बाइक के माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग आप लोग को 55+ KMPL तक की देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो बाइक का जो प्राइस है दोस्तों वो आप लोग को होंडा यूनिकॉर्न 160 के आसपास ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों, बाइक का जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 1,40,000 रुपए के अंडर में ही ऑन रोड देखने को मिलने वाला है। बाकी लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो बाइक का दोस्तों ऑफिशियल टीजर वीडियो तो लॉन्च हो चुका है, तो इसका मतलब दोस्तों बाइक जो है वो आने वाले 1 महीने के अंदर में ही हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो सकती है। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस बाइक को लेके नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं, तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।